आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन का छापा। 8 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने भेजा था जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस। यूपी के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर जिला प्रशासन का छापा। पैमाइश के बहाने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की छानबीन। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर जमीन सड़के आदि की जांच पड़ताल। आजम खान ने डीएम पर साधा निशाना, कहा न खसरा न खतौनी कुछ लेकर नहीं आए और विश्वविद्यालय में बिना परमिशन के आ जाना यह प्रशासन का दबाव है। जिले को बर्बाद करने पर तुले है डीएम रामपुर। खसरा न खतौनी कुछ लेकर नहीं आए, जब आपके पास कोई चीज है नहीं तो आप क्या देखने के लिए आए। और देखिए, नपत का एक अपना कानून होता है, भीटेबंदी होगी, कहाँ से नपत शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, उसे तय करना पड़ेगा। जिन लोगों के खेतों से शुरुआत करेंगे उन लोगों की तहरीरी परमिशन लेना पड़ेगी विश्वविद्यालय में। इस तरह कुछ करा जाना और बेवजह का सीन क्रिएट करना ताकि हमारे दाखिले ना हो, हमारे बच्चे डरने लगे। अरे हम तो बहुत डरे हुए हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या डराना चाहते हैं आप। ये विश्वविद्यालय है भाई, ये नाच गाने का इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ हर तरह की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। मेडिकल कॉलेज तैयार खड़ा है, हम उसकी परमिशन में लगे हैं और इंतज़ामिया के लोग और एक साहब इस सारे ज़िले को बर्बाद करने की कसम खाए बैठे हैं और सारा प्रशासन उनका बिल्कुल ऐसा मजबूर हो रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन हर जुल्म करने वाला ये समझ ले कि हमारे अंदर जुल्म करने की ताकत उनके जुल्म करने की ताकत से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चियों को पढ़ाएंगे और इन्हें जाहिल नहीं रहने देंगे। हमारे बाद हमारी और नस्लें हैं वो पढ़ाएंगे। जब तक ये सरकार और शासन प्रशासन इसे बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मिटा नहीं देता, अगर इसमें एक इंच भी बाकी रहेगी तो वहाँ भी बच्चा बढ़ कर पड़ेगा। एक इंच जमीन बाकी रहेगी तो इस विश्वविद्यालय का नाम बढ़ेगा। कितनी मजहक खेज बात है, हमारी जमीन पर बना हुआ गेट कैसे गिरा देंगे आप। ये उर्दू गेट नहीं है, ये अस्टी का गेट है। आप गिराएंगे तो इसका संदेश दुनिया भर में जाएगा। आप पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, आप किसे खुश करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके, इस यूनिवर्सिटी की बदनामी करके। आप सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं या ये साबित करना चाहते हैं कि एक वर्ग ऐसा भी है हिंदुस्तान में जिसे कोई अधिकार नहीं रह गया, न पढ़ने का, न पढ़ाने का, न जीने का, न रहने का। चुनाव जीतने का यह मतलब होता है, दोबारा सरकार बनाने का यह मतलब होता है कि हलाकू और चंगेज को पीछे छोड़ दिया जाए, हिटलर और मुसोलिनी को पीछे छोड़ दिया जाए। गिराना कहीं से भी गिरा दे, हद से दी तो होगा, हम किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और हमने खटखटाया है, हमें न्याय मिलेगा। शत प्रतिशत मामलात में जौहर विश्वविद्यालय को, स्कूलों को और जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत अन्याय वाले काम में मुझे शत प्रतिशत न्याय मिला है। अदालतों ने सरकारें नहीं देखी हैं, किसका शासन है ये भी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है मेरा कि अदालतें इस इदारे को बचाएंगी।